हिंदू शास्त्र में पूजा पाठ के लिए कुछ विशेष वस्तुएं निर्धारित की गई हैं। आपको बता दें, इन्हीं में से एक है सुपारी। साथ ही पूजा और खाने में सुपारी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पूजा और खाने की सुपारी में अंतर होता है। खाने वाली सुपारी बड़ी और गोल होती है, वहीं पूजा की सुपारी आकार में छोटी और शीर्ष पर शिखर जैसा आकार होता है। वहीं वास्तुशास्त्र में इसी से जुड़े कई उपाय बताए गए हैं, आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में। वहीं घर में पूर्व और उत्तर के कोने में विधिवत रूप से चांदी के बर्तन में सुपारी स्थापित कर सुबह शाम उसकी पूजा करने से घर परिवार से दुर्भाग्य की जगह सौभाग्य आता है। साथ ही धन प्राप्ति के लिए लाल कपड़े पर श्री यंत्र स्थापित कर उसके मध्य में अगर एक सुपारी रख दी जाए और इसके बाद गणेश जी की पूजा करने से आपको धन लाभ की प्राप्ति होती है और समस्त बाधाएं समाप्त होती है। इसके अलावा सुपारी का पूजन कर उसे सिद्ध या अभिमंत्रित करके शुभ मुहूर्त में पीले या लाल कपड़े के ऊपर रखकर गणेश जी का पूजन करने से आपके धन धान्य में बढ़ोतरी होती है। इसके अलावा अगर आपकी कोई इच्छा लंबे समय से अधूरी है तो किसी भी मंदिर में एक सुपारी और तांबे के लोटे में गंगा जल भर कर कुछ दक्षिणा दे। ऐसा करने से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। वहीं अगर आपके किसी विशेष कार्य में बार बार रुकावट आ रही है तो गणेश चतुर्थी के दिन दाई और मुड़ी हुई सूंड वाले गणेश जी के चित्र के आगे लौंग और सुपारी रख कर उसकी पूजा करें। और जब आप उस विशेष कार्य के लिए बाहर जाएं तो उस लौंग और सुपारी को अपने साथ ले जाएं। ऐसा करने से आपके रुके हुए काम बिना रुकावट के पूर्ण होंगे और घर आने पर वो सुपारी वापस गणेश जी की प्रतिमा के सामने रख दें। वहीं अगर आप तिजोरी पर स्वास्तिक बनाकर तिजोरी के अंदर श्री यंत्र तथा अभिमंत्रित सुपारी चावलों के साथ रखेंगे तो तिजोरी के आसपास के क्षेत्र में सकारात्मक और पवित्र ऊर्जा बनी रहती है और साथ ही धन धान्य में बढ़ोतरी भी होती है। नेशनल स्पिरिचुअल से रानी की रिपोर्ट।